हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस एंड फैक्ट्स। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिस शख्स के बारे में बात करने वाले हैं, वो अभी दुनिया के अमीर लोगों के लिस्ट में 11th नंबर पर हैं। लेकिन वो कभी जाने माने कंपनी मैकडोनल्ड्स का सिर्फ एक कुक हुआ करते थे, पर अब जिनका नेटवर्थ 96 बिलियन US डॉलर का है, जो भारत के सबसे अमीर और एशिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी से भी ज्यादा है। तो कैसे महज एक कुक बने दुनिया के 11th रिचेस्ट मैन, आगे इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको बहुत ही इंस्पायर करने वाला है, सो वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए साइंस एंड फैक्ट्स को। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, हम जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो है दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी बाइनेंस के फाउंडर एंड सीईओ झेंगपिंग झाओ। दोस्तों, झाओ का जन्म 10 सितंबर 1977 में चाइना के जियांगसू शहर में होता है। उनके पिता और माता दोनों ही टीचर थे। उनका लाइफ ठीक से ही गुजर रहा था, लेकिन एक कल्चरल रेवोल्यूशन के वजह से झाओ और उनके परिवार को देश से निकाल दिया जाता है, और तब झाओ का उम्र केवल 12 बरस का था। तब झाओ और उनके परिवार कनाडा में शिफ्ट हो जाते हैं, और झाओ को कनाडा का ही सिटीजनशिप मिलता है। कनाडा शिफ्ट होने के बाद झाओ के परिवार का फाइनेंशियल हालत बहुत ही बुरा था, क्योंकि उस समय पर झाओ के पिता और माता दोनों ही अपने नौकरी को खो चुके थे। इसलिए उस समय झाओ मैकडोनल्ड्स में एज ए बर्गर कुक के काम करते हैं। दोस्तों, शुरू से ही झाओ का कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने मैकगिल यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, और उसके बाद झाओ 4 सालों तक टोक्यो और न्यूयॉर्क के कई फाइनेंस कंपनियों में काम किया था, जिसमें ब्लूमबर्ग एलपी भी शामिल था। 2005 में झाओ शंघाई चले आते हैं, और वहीं पे उन्होंने फैशन सिस्टम नाम का एक कंपनी खोलते हैं, जो ब्रोकर्स का एक फास्टेस्ट हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। उसके बाद झाओ ने 2013 में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, जिनमें blockchain.info भी शामिल था, और वो ओके कॉइन के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर भी थे। झाओ ने 2017 में ओके कॉइन के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पद से इस्तीफा दे देते हैं, और जुलाई 2017 में चाइना में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का एक कंपनी खोलते हैं, जिसका नाम है बाइनेंस। लेकिन चाइना में क्रिप्टो करेंसी बैन होने के चलते उन्हें बाइनेंस का हेडक्वार्टर्स को जापान में शिफ्ट करना पड़ता है, और यहीं से झाओ के जीवन का सुनहरा अध्याय शुरू होता है, जो आज तक चल रहा है। बाइनेंस लॉन्च होने के 8 महीने के अंदर ही बाइनेंस को इनिशियल कॉइन में 15 मिलियन US डॉलर का ऑफर मिलता है। बस उसके बाद से झाओ का कंपनी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और 2018 में बाइनेंस 3 बड़े एक्सचेंजेस के साथ स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट के लिए 32 मिलियन US डॉलर रेज करते हैं, और उसी साल झाओ एक ब्लॉकचेन नेटवर्क लॉन्च करते हैं, जिसका नाम है बाइनेंस स्मार्ट चेन, जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान देता है। और देखते ही देखते बाइनेंस ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से बन जाता है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कंपनी। ब्लूमबर्ग के अनुसार बाइनेंस का पिछले साल का रेवेन्यू था 20 बिलियन US डॉलर का, और झाओ का नेटवर्थ है 96.5 बिलियन US डॉलर का। दोस्तों, क्रिप्टो दिन ब दिन ग्रो कर रहा है, और दिन ब दिन क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाले लोगों का संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दोस्तों, आज हर 10 में से 1 बंदा क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है, और अब तक 114 बिलियन लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर चुके हैं। इसलिए 2021 में नवंबर में एक जर्नल रिपोर्ट के अनुसार बाइनेंस का नेटवर्थ 300 बिलियन यूएस डॉलर भी हो सकता है, जिससे झेंगपिंग झाओ दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। दोस्तों, झाओ के इस जर्नी से हमें ये सीख मिलता है कि हमेशा आपका सोच बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बड़ा सोचेंगे तभी आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे। अगर आपका इंटेंशन सही हो तो आपको ज़रूर एक दिन कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आपका इस वीडियो को लेके क्या ओपिनियन है, वो ज़रूर कॉमेंट करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।